गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? हाँ, अभी हमारा हिंदी का पीरियड है। हाँ बच्चों, तो आज हम नए मात्रा की पहचान करने वाले हैं। तो हमारा जो पाठ है सातवां, जिसका नाम है रू। हमारा पाठ है सातवां रू, रू की मात्रा। इस पाठ का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। और रू की मात्रा का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, इसका भी अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, ये है हमारी रू की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? रू की मात्रा। ठीक है, तो बच्चों जो रू की मात्रा होती है ना, वो इस प्रकार होती है। अभी मैंने आपको दिखाई है ना, तो इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इधर ध्यान दो, यह कौन सा वर्ण है? हाँ, यह है क वर्ण। यदि हम क वर्ण को रू की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा क्रि। ख को यदि हम रू की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कृ। ग को लगाएंगे तो ये बन जाएगा गृ। घ को लगाएंगे तो बन जाएगा घृ। च को यदि हम रू की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा चृ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये पांच वर्णों को रू की मात्रा लगाकर आपको दिखाई है ना? हाँ, तो अभी आपको छ से लेकर श्र तक क्या करना है? रू की मात्रा लगानी है। देखो बच्चों, पढ़ो मेरे साथ, छ से लेकर श्र तक रू की मात्रा लगाओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और मैं आपको ये लगाकर दिखाती हूँ कि ठीक है बच्चों। हाँ, और ये सब जो आपने पढ़ाई है, जो आप लिख रहे हैं, ये सब आपको पेंसिल से लिखना है। किससे लिखना है? पेंसिल से। और आपका हस्ताक्षर कैसे होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे जाने वाले हैं। इसके बाद हमारे बुक पर हम देखेंगे, तो हमारे बुक पर पन्ना नंबर 42, हाँ, इस पेज पर आपको दिखाई देगा कि हमारा पाठ कौन सा है? सातवां। यहाँ पर कौन सी मात्रा है? रू की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं। कितने चित्र हैं? चार। तो पहला चित्र है ऋषि का। हमने पहली कक्षा में जब हम सब थे तब हमने सीखा था रू से ऋषि। हाँ, तो ये है ऋषि। उसके बाद है ये ऋषभ, ऋषभ यानी कि बैल। ठीक है, उसके बाद है नृप, नृप यानी कि राजा। हाँ, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किंग। हाँ, उसके बाद है मृग, मृग यानी कि मराठी में इसको कहते हैं हरिण और अंग्रेजी में कहते हैं डियर। ठीक है, तो ये चार शब्द है। ये चार शब्द में पहले दो शब्दों में रू का इस्तेमाल किया है और नृप और मृग इन शब्दों में रू की मात्रा का इस्तेमाल किया है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसके बाद हमारी बारी आती है बोल बोलकर पढ़ो। तो बोल बोलकर आपको ये जो शब्द है ये बार बार बोल बोलकर क्या करने हैं? पढ़ने हैं, ताकि आपको इसका उच्चारण अच्छे से आ सकेगा, आपको पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 12 शब्द है। कितने हैं? 12। तो ये जो 12 शब्द है, ये शब्द मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाई दिए, यहाँ पे मैंने आपको लिखकर दिए हुए हैं। ये कितने शब्द है? लगभग 12। ठीक है, तो यहाँ पे पहला शब्द है तृण। तृण यानी कि क्या? हाँ, ग्रास, जिसको मराठी में क्या कहते हैं? गवर। तो ये तृण, तो ये त को यदि रू की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा त्रु और बाद में आएगा न, तो ये बन जाएगा तृण। ठीक है, उसके बाद है शब्द घृत। घृत यानी कि जिसको मराठी में हम तूप कहते हैं, घी, जिसको हिंदी में घी, यह भी ज्यादा शब्द है। ठीक है, उसके बाद ति,
अंदर, ठीक है। उसके बाद है ऋतु। तो ऋतु इस शब्द में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे रू है, तो यहाँ पे रू की मात्रा नहीं है, यहाँ पे क्या है, रू है, ठीक है। उसके बाद है रुचा, तो यहाँ पे भी रू का इस्तेमाल किया है, न कि रू के मात्रा, ठीक है। उसके बाद का शब्द है कृषि। कृषि यानी कि जो खेती करते हैं वो, शेतकरी, किसान, ठीक है। उसके बाद हमारा आठवां शब्द है कृपा। उसके बाद है कृषक, कृषक, हाँ। उसके बाद है शब्द अमरूद। तो यहाँ पे कृषक, अमरूद, पृथक, कृपालु, ये जो चार शब्द है ये तीन वर्ण के हैं। कितने वर्ण के हैं? तीन वर्ण के। और तृण से लेकर कृपा तक के शब्द जो है वो दो वर्ण के, यानी कि उसमें सिर्फ दो वर्ण है, ठीक है। अब ये तीन वर्ण के शब्द बहुत ही आसान है, ठीक है। देखेंगे हम क रू की मात्रा, श क कृष क, हाँ। उसके बाद अ म, म के बाद रू की मात्रा, त अमृत, प रू की मात्रा, थ क पृथक, क रू की मात्रा, पा लु कृपालु। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दो वर्ण के भी शब्द है और तीन वर्ण के भी शब्द है, लेकिन तीन वर्ण के शब्द होने से आप डरो मत, बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल आसान है। यदि आपके समझ में आया जाएगा कि ये मात्रा खा पर और किस तरह से लगानी है, तो ये बहुत ही आसान है। और इससे पहले तो आपने कई सारी मात्राओं का अध्ययन किया हुआ है, हम सब ने मिलकर मात्राओं की पहचान की है, उसका इस्तेमाल हमने सीखा है, ठीक है बच्चों, हाँ, बहुत ही आसान है। इसके बाद हम कुछ नियम देखने वाले हैं। हर किसी चीज को कुछ नियम होते हैं, नियम यानी कि रूल, हाँ। तो ये जो रू की मात्रा है इसके कुछ नियम भी है। तो हमारा पहला नियम क्या है, देखो, रू की मात्रा का उच्चारण री के समान होता है। तो ये जो री का, रू का जो मात्रा है वो, उसका जो उच्चारण है वो रू रू ऐसे नहीं होता, उसका उच्चारण री के समान होता है, ठीक है बच्चों, हाँ। ये सिर्फ आपको आपके ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा दूसरा नियम है, रू की मात्रा वर्ण के पैरों में लगाई जाती है। कहाँ पे लगाई जाती है? पैरों में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क वर्ण जो है इसके लिए पैरों में लगी हुई है, पैर के नीचे यहाँ पे लगाई हुई है ना, हाँ। ख के पैर में है, क के पैर में, हर हर एक वर्ण के पैर में ये लगाई जाती है। लेकिन और इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद है यानी कि इससे हटकर भी एक नियम है, हम देखेंगे। देखो हमारा तीसरा नियम है, वर्ण ह में रू की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। तो यहाँ देखो बच्चों, मैंने ह लिखा हुआ है, यह कौन सा वर्ण है? हो, ठीक है। अब मैं एक ब्लू कलर का इस्तेमाल करूंगी जिससे आपको अच्छे से पता चल सके, हाँ। यह है नीले रंग का खम्भे, ठीक है, चौक। तो ये ह है, ह के ह वर्ण में यह मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, अलग प्रकार से लगाई जाती है। ह को छोड़कर ह वर्ण को अलग से रू की मात्रा लगाई जाती है, बाकी सभी वर्णों को ये मात्रा कहाँ पे लगाई जाती है? इसके पैरों में लगाई जाती है। ये जो नियम है ये आपको अच्छा
बोल बोल कर पढ़ो, इस तरह से आपको ये सारे शब्द लिखने हैं। हाँ, 12 शब्द है हमारे, और हमारे जो 3 नियम है ये भी लिखने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, हाँ, यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। हाँ, तो इससे आगे हम जाएंगे, आपके समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे मालूम है मेरे सब बच्चे कैसे हैं, बहुत ही होशियार है। हाँ, और आप सभी अभी दूसरी कक्षा में हो, हाँ, तो आपको ये आसानी से आ सकता है। हाँ, चलो तो इसके आगे की पढ़ाई हम करेंगे। अब बच्चों देखो, हमारा जो पन्ना है ये तक, यहाँ तक हमारी पढ़ाई अभी हो चुकी है ना। हाँ, अभी हम दूसरा पेज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चित्र है चित्र, और इसके नीचे दूसरा चित्र है। तो पहले चित्र में क्या दिखाई देगा आपको, देखो ये कौन है? मृग है, मृग यानी कि हिरण, हाँ, जिसको मराठी में हरिण कहते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक जो इंसान है उसके हाथ में धनुष है और वो उस मृग के पीछे भाग रहा है। तो ये जो आदमी है ये कौन है? नृप है, नृप यानी कि राजा है, ठीक है। हाँ, तो ये जो चित्र है ये जंगल का है। हमारे यहाँ तो शहरों में मृग नहीं दिखाई देते, तो मृग कहाँ रहता है? मृग जंगलों में रहता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप यदि दूसरा चित्र देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यह जो मृग है ये यहाँ पे खड़ा है और वो किसी से बातें कर रहा है। तो ये कौन बैठे हुए है यहाँ पे? ये पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे हुए है और ये मृग है वो उनसे कुछ वार्तालाप कर रहा है, कुछ उनसे बातें कर रहा है, ठीक है। और वो जो यहाँ पे मृग दौड़ रहा था, भाग रहा था, वो कहाँ छिप गया है? उस ऋषि के पीछे छिप गया है, ठीक है बच्चों। तो और यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है ऋषि की, जिस तरह से हम हमारे घर में रहते हैं, हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, है ना। हाँ, हम शहरों में रहते हैं, हाँ, पर ये जो ऋषि है वो इस कुटिया में रहते हैं, जिसको मराठी में झोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झोपड़ी, ठीक है। तो यह दो चित्रों से हमें एक कहानी तैयार करनी है। यहाँ पे एक कहानी दी हुई है, ये मैं आपको अभी पढ़कर सुनाती हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, आपकी जो उंगली है कहाँ रखोगे? इधर रखोगे, और जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए उस प्रकार आप पढ़ने की कोशिश करो। और ये कहानी अपने मम्मी पापा को, दीदी को, भैया को पढ़कर सुनाओ, ठीक है बच्चों। तो चलो अपने उंगली रखो यहाँ पे, तो चलो अपने उंगली यहाँ पे रखो, हम पढ़ने वाले हैं। मृग छिप गया, कहानी का नाम क्या है? मृग छिप गया। एक मृग था, वह तृण चर रहा था, तभी नृप आया। नृप धनुष बाण लाया, मृग डरकर भागा। ऋषि का आश्रम मिला था, मृग भागकर आश्रम आया। ऋषि का मन दयालु था, नृप वापस चला गया। तो इस कहानी से हमें कुछ ज्ञात होता है, हमें क्या ज्ञात होता है? यह कहानी आपको मालूम है? मैं बताती हूँ, देखो एक यह हिरण था, यानी कि ये मृग है, और ये मृग क्या खाता है? पिज्जा बर्गर खाता है? नहीं, चॉकलेट्स खाता है? चिप्स खाता है? बिल्कुल नहीं। तो ये मृग क्या खाता है? तृण खाता है, तृण यानी कि गवत, जिसको मराठी में क्या कहते हैं? गवत। तो यह जो हिरण है, मृग है, वो कुछ घास खा रहा था, गवत खा रहा था, तृण चल रहा था। तभी क्या हुआ? उस जंगल में एक मृग
वह नृप यानी कि राजा उस हिरण की यानी मृग की शिकार करने वाला था, इसीलिए वो क्या लाया था उसके हाथ में धनुष और बाण। तभी क्या हुआ, मृग डरकर भागा, मुझे मारेगा, इस डर से क्या हुआ, मृग जो था वो भाग गया। वो भागता हुआ कहाँ आ गया, ऋषि का आश्रम खुला था, मृग आश्रम जाकर छिप गया। जो ये ऋषि मुनि है उनका आश्रम खुला था और उस आश्रम में उस ऋषि के पीछे ये मृग जाकर ऐसे छिप गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो राजा है यानी कि जो नृप है वो हिरण के पीछे पीछे यानी कि मृग के पीछे पीछे वो आश्रम तक आ गया। तो आने के बाद क्या हो गया, ऋषि का मन दयालु था, ऋषि कैसे थे, बहुत दयालु होते हैं, वो किसी जानवर की हत्या नहीं करते, वो अहिंसा का तत्व बताते हैं कि हमें ऐसे शिकार नहीं करनी है। ठीक है, तो ऋषि ने क्या बताया राजा को, क्या बताया होगा कि इस हिरण को मार दो, ऐसे बताया होगा, बिल्कुल नहीं। तो ऋषि ने क्या बताया, इस मृग की हत्या तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि वो कैसा है, वो बहुत ही दयालु थे। कौन दयालु थे, वो ऋषि दयालु थे। ठीक है, और वो ऋषि जो दयालु थे उन्होंने मृग से क्या कहा कि उस मृग की हत्या मत करो। तो वो कहने के बाद इस संदेश, जो संदेश ऋषि ने दिया था, वो संदेश उसको अच्छा लगा, मृग को, कि हमें जो जानवर होते हैं जो हमें कोई तकलीफ नहीं देते, वो मृग कुछ तकलीफ दे रहा था मृग को, बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी घास खा रहा था, जंगल में रहता है वो। हाँ, तो ऋषि मुनि ने क्या बताया, हमें मृग की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये बात नृप को अच्छी लगी और ये जो नृप है वो खाली हाथ वैसे ही वापस अपने घर वापस चला गया। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो कैसी लगी कहानी, बहुत बढ़िया है ना, अच्छी लगी आपको। हाँ, तो बच्चों यहाँ तक तो हमारी पढ़ाई अभी अच्छी तरीके से हो गई है, इसके आगे की पढ़ाई जो है वो हम बाद में देखेंगे। तब तक आप क्या करोगे, घर में रहो, सुरक्षित रहो, और मैंने जो अभी आपको होमवर्क दिया हुआ है वो अच्छे से पूरा करो। ठीक है बच्चों।